पालनपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा वो नाम है जिसका युवाओं पर जादुई असर होता है। एक प्रेरणा, एक विश्वास और एक ऐसी मिसाल है कैप्टन विक्रम बत्रा पालनपुर के युवाओं के लिए, जिनके जैसा बनने के लिए युवा कितनी भी कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा महाविद्यालय। उनसे बातचीत करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं आखिरकार कितनी प्रेरणा उनको मिलती है उस कॉलेज में पढ़ के जिसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर है। कितने प्रेरित होते हैं आप? कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम ये महाविद्यालय दिखाई पड़ रहा है और आपके नाम, कितना प्रेरित होते हैं आप इस कॉलेज के? हम बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और हमारा भी एक सपना है, जितने भी यहाँ विद्यार्थी खड़े हैं सभी का सपना है कि भारतीय सेना में जाएं, भारत का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, सभी का एक सपना है। और जो दिल मांगे मोर जो किसी एक कंपनी का एक पेप्सी का शायद ये था, तो विक्रम बत्रा जी ने ये दिल मांगे मोर के उस उद्घोष को पूरे भारतवर्ष में उस उद्घोष को प्रचलित कर दिया। और मुझे उनका वो वाक्य याद आता है जब अपनी माँ से कहते हैं या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं वहाँ जरूर आऊँगा। तो एक देशभक्ति का जज्बा भी जगता है हमारे अंदर से। बिल्कुल, यहाँ के बच्चों को याद है कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने क्या क्या कहा था? उनको याद है कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि ये दिल मांगे मोर वो और चोटियां जीतना चाहते थे। यहाँ के लोगों को ये भी याद है कि अपनी माता जी से उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं वो लौट कर जरूर आएंगे, चाहे वो तिरंगे में लिपट कर आए चाहे तिरंगा लहरा के आए, और तिरंगा लहराया भी उन्होंने और तिरंगे से लिपट कर दिया। थे सीना खोलकर खड़े हो गए थे गोली के सामने, तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था जी। मौका मिलेगा तो आप भी? जी सर, मौका मिलते ही हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी उनकी तरह अपने देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। और उसी जज्बे से हम भी अपने आर्मी की तैयारी कर रहे हैं कि हम भी कुछ अपने देश के लिए करें। क्या पालमपुर की मिट्टी में कुछ खास बात है कि यहाँ पर लोग इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए? सर, पालमपुर के सभी विद्यार्थी ऐसे क्या बोलते आर्मी में जाने के लिए होते हैं उत्सुक होते हैं, क्योंकि यहाँ के विक्रम बत्रा जी यहाँ के हर परिवार से एक बंदा सेना में है, तभी क्या बोलते सभी
आर्मी में जाना चाहते हैं। और विक्रम बत्रा ही नहीं, यहाँ से अपने सुधीर बाली जी हो या सौरभ काली जी हो, सभी ने जितने भी यहाँ से सैनिक हुए पूरे भारत का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया और अपने देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि हर कब्र से आतंकी निकलने की बात की जाती है। एक बुरहान वानी नाम का आतंकवादी श्रीनगर में मारा गया है, उसके बाद एक मंत्री जी ने कहा था कि हर कब्र से अब आतंकवादी, एक एक कब्र से आतंकवादी पैदा करने की क्षमता वो आतंकवादी रखता है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा महाविद्यालय है, यहाँ पर इतने छात्र पढ़ते हैं और देश की सेवा करने का ऐसा जज्बा है कि उन आतंकवादियों पर भारी पड़ेंगे? हम उन आतंकवादियों को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि जितना भी तुम में दम है हमारे पास भी उतने सीने पड़े हुए हैं, जितनी तुम में गोलियां हैं तुम उतनी अधिक लाओ, हमारे पास भी उतने सैनिक खड़े हैं। और हमें अगर मौका मिलता है तो हम भी अगर देश के प्रति समर्पित होने का, जिस प्रकार से हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, सौरभ कालिया जी, परमवीर चक्र विजेता है, ये पूरे हम जब भारत में घूमते हैं तो पूरे इनका नाम जब हम सुनते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस पालमपुर की धरती में पैदा हुए, इस पालमपुर के इस वीर भूमि में पैदा हुए। जब हम नाम सुनते हैं कि किस प्रकार कैप्टन शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने कारगिल के उस टाइगर हिल पे तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन किया और इस खासकर इस पालमपुर की धरती का नाम रोशन किया, तो हमें भी एक गौरवान्वित एक पल महसूस होता है हमें हमारे जीवन में। और बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक हम उसके बाद कह सकते हैं कि पालमपुर की धरती से ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं और आगे ही ऐसे वीर सपूत पैदा होते रहेंगे। हम खुली चेतावनी देते हैं आतंकवादियों को, जितना तुम में दम है उतना आओ, हमारे पास उतने सीने पड़े हैं। माँ बाप अकेले रह जाते हैं, भाई बहन रहते हैं, दोस्त यार सब छूट जाते हैं, कभी कभी शहादत जब देनी पड़ती है तो भारत माता से ज़्यादा प्यार या फिर घर वाले भी तो खास होते हैं। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आई एम अ सन ऑफ टू मदर्स, वन हु बॉर्न मी एंड वन हु मेड मी द मैन दैट आई एम। एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और एक वो भारत माँ जिसने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं तैयार हूँ इस भारत के प्रति समर्पित होने के लिए, भारत की इस वीर भूमि के प्रति समर्पित होने के लिए और भारत माँ के सेवा के प्रति जो जज्बा है हमारा, हम पूरी तरह से उसमें समर्पित होने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल, आप सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जब पालमपुर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो ये मानकर चलता है उसकी दो माएँ हैं, एक उसे जन्म देने वाली माँ और साथ में एक भारत माता, और इस भारत माता के लिए समर्पित होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कभी भी वक्त होगा, कभी भी मौका होगा तो ये सीने खुले हुए हैं। अगर दुश्मन की गोलियां रोकने की क्षमता रखते हैं, दुश्मन की गोलियां खाने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ के बच्चों ने तय करके रखी हुई है, कैप्टन विक्रम बत्रा की ही तरह अगर भारत माँ पर कोई हमला करेगा तो वो उसका सामना करेंगे, उसे अपने देश से खदेड़ के बाहर रखेंगे। जाहिर सी बात है कि इन छात्रों से बात करके समझा जा सकता है कि इनमें से आने वाले वक्त में मौका मिलने पर कोई भी वैसी ही बहादुरी दिखाने को तैयार है जैसे बहादुर विक्रम बत्रा हैं। हमने देखा कि यहाँ पर छात्र एनसीसी की प्रैक्टिस करते भी दिखाई दिए। हकीकत यह है कि इन सभी लड़कों का लक्ष्य आर्मी में आना है, क्योंकि इनको भी मालूम है कैप्टन विक्रम बत्रा पहले इन्हीं की तरह एनसीसी के शानदार कैडेट थे। सकते हैं हम शहीद विक्रम बत्रा डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर ये एनसीसी के छात्र हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि विक्रम बत्रा भी एनसीसी के कैडेट थे और उन्होंने राजपथ पर परेड में हिस्सा लिया था, और उनके कॉलेज में इस वक्त देख सकते हैं आपकी जो ये छात्र हैं वो भी पूरी तरह से समर्पित दिखाई पड़ रहे हैं, एनसीसी में भर्ती हो चुके हैं और इनका जो एम है वो आगे जाकर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना है। और पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त जज्बा कहीं ना कहीं इनके अंदर भी है कि विक्रम बत्रा ने जिस तरह से नाम रोशन किया था उनसे प्रेरित होने के बाद ये भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। ये कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम का ही जादू है कि पहली नजर में बेहद शर्मीली सी दिखने वाली ये लड़कियां भी जब बोली तो इतना खुलकर बोली कि एहसास हो गया कि पालमपुर की लड़कियां भी मौका पड़ने पर लड़कों से पीछे नजर नहीं आएंगी। पालमपुर में छात्राओं के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम के कॉलेज में आप पढ़ती हैं, जब आप आई थी होंगी तो दिखाई पड़ता होगा कि आप यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, कॉलेज का नाम है, किस तरह की फीलिंग आती है कि परमवीर चक्र विजेता के नाम पे आपके कॉलेज का नाम? इस विक्रम बत्रा कॉलेज में पढ़ के मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉलेज में पढ़ के बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर कैंपस है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, उस तरह के महान एक जो लोग जो एक इंसान है, इतने महान इंसान, उनके नाम से जो कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज बना है, इतना बड़ा कैंपस बना है, उस कॉलेज में पढ़ के बहुत खुश हूँ मैं। और मैं और लोगों को भी प्रेरणा देना चाहती हूँ कि इस कॉलेज में आएं और यहाँ से विक्रम बत्रा जी से कुछ सीखें, देश की सेवा करें, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं और देश का नाम रोशन करें और इसी तरह से अपने देश के लिए आप खून बहाएं।
सिविल बच्चों की बात करें, छात्रों की बात करें और जो लोग मिलिट्री में जाते हैं उन युवकों की बात करें, तो मैं लड़कियों के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरह से सोचती हैं, क्या आर्मी वाले ज्यादा पसंद आते हैं या फिर बाहर के लोग ज्यादा पसंद आते हैं? अगर आप देखें कि अगर हाँ कोई किसी लड़की को अगर शादी करनी है तो हाँ वो आर्मी वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती है कि नहीं आर्मी, और खुद भी लड़कियों के अंदर आजकल लड़कियां आप देख रहे हैं हर फील्ड में गर्ल्स जा रही हैं, चाहे एयर होस्टेस हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, हर जगह पे गर्ल्स जा रही हैं, तो गर्ल्स आजकल इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, मतलब शादी की तो बात चलो बाद में लेते पर पहले खुद गर्ल्स खुद आर्मी में जाना चाहती हैं और पुलिस में जाना चाहती हैं। तो आपने कहा कि आर्मी के साथ कंफर्टेबल है और आपको कोई परेशानी नहीं कि आप आर्मी वालों के साथ शादी करें, लेकिन बड़े खतरे होते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा महज 24 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, तो क्या उसके लिए भी यहाँ की लड़कियाँ, हिमाचल की लड़कियाँ तैयार रहती हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो हिमाचल की लड़कियाँ उनका दिल बहुत बड़ा है, तो लड़कियाँ बिल्कुल तैयार हैं अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजने के लिए, आर्मी में भेजने के लिए। जी बिल्कुल, खुले दिल से तैयार हैं। बिल्कुल, इस जज्बे को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि महज 24 साल की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे, ये तमाम बातें यहाँ की लड़कियाँ जानती हैं, लेकिन उनके दिल में ये बात है कि अगर उन्हें शादी करने का मौका मिलेगा तो अगर कोई मिलिट्री का अफसर है, आर्मी का अफसर है, तो वो उसके साथ शादी करने में कंफर्टेबल है, इसलिए भी तैयार है कि उनके माथे पर तिलक लगाकर वो जंग लड़ने के लिए भेज देंगी, चाहे वो उनके पति हों, चाहे वो उनके भाई हों और चाहे वो उनका लड़का हो। विक्रम बत्रा जी के नाम पर बने डिग्री कॉलेज में हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम युवकों से बात की और वो उनसे बेहद प्रभावित दिखाई पड़े, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन छात्राएं क्या सोचती हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप उस कॉलेज में पढ़ती हैं जिसका नाम विक्रम बत्रा जी के नाम पर है, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगा, जब भी मैं आती हूँ सर कॉलेज और गेट के पास पहुँचती हूँ तो उन्हें देखकर मन सलूट करता है सर, हमेशा मतलब रोज सलूट करती हूँ उनको, और उनकी तरह सर देश के लिए शहीद होने का मन भी करता है। जैसे सर हमारे देश के जो भी सैनिक हैं वो बाउंड्री में रहकर रात भर जागते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, पर हम कई ऐसे लोग हैं जो मतलब घर में बैठे रहते हैं, मतलब जो आजकल के सर युवक हैं ना वो भी ऐसे सोचते हैं कि यार क्या करनी, आर्मी शार्मी छोड़ो सोचते हैं सर, और वो ये नहीं सोचते कि जिस तरह से मतलब हमारे देश के सैनिक हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, हम भी वैसा करें, हम भी उठें, हम भी दौड़ें, हम भी अपने देश के लिए कुछ करें सर। और सर मैं चाहती हूँ कि अगर एक बार कभी भी मुझे मतलब चांस मिलेगा तो मैं देश में अपने मतलब आर्मी ज्वाइन करूंगी और अपने देश के लिए शहीद होने का मौका मिलेगा सर तो खुशी खुशी शहीद हो जाऊंगी सर। बिल्कुल, आप इस जज्बे को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ छात्र ही नहीं छात्राएं भी चाहती हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह देश के लिए शहीद हो जाएंगे और देश के दुश्मनों पर कहीं ना कहीं काल बनकर टूटेंगे, ये पूरी तैयारी इन छात्राओं ने भी कर ली है। जो युवक भर्ती होते हैं आर्मी में उनको लेकर आपकी क्या भावना है? हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि लगभग हर दूसरे घर से कोई ना कोई आर्मी में। यस सर, सर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के युवक जो हैं आर्मी में जा रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और एक अलग सी खुशी मन में सर उठती है, मतलब आंखों से झलकती है सर। और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी युवक हैं ना सर वो सारे भर्ती हो जाएं, हमारे देश की रक्षा करें, मतलब बाकी तो सर और क्या कहें, बस यही है। यहाँ पर तैयारी पूरी दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं हमें जज्बे की कमी दिखाई नहीं पड़ती, और चाहे जितनी भी मात्रा में दुश्मन आ जाए यहाँ पर छात्र और छात्राएं पूरी तरह से तैयार हैं उन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। इन छात्राओं के जोश को देखकर लगता है कि इनके सामने कोई मुश्किल नहीं टिक सकती। वैसे ये बच्चे तो उस कॉलेज में ही पढ़ते हैं जिसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर है, लेकिन पालमपुर में कोई भी आए शहीद का नाम जरूर लेता है। पालमपुर और कैप्टन विक्रम बत्रा के रिश्ते को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे तो क्षेत्र की जनता से उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर। हालांकि ये दिल मांगे मोर एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन की टैगलाइन है, लेकिन जब कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की पहाड़ियों से एक के बाद एक दुश्मनों को खदेड़ रहे थे तब उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा था कि वो और उनके साथी चाहते हैं ये दिल मांगे मोर, यानी कुछ और पहाड़ियों से उन्हें दुश्मनों को खदेड़ना है। और इस बात को सुनने के बाद ये दिल मांगे मोर पूरे देश में देश प्रेम की अलग जगाने वाला मंत्र बन गया था। After the another Mankar was captured, my company's success in the law, ये दिल मांगे मोर, 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 ये दिल मांगे मोर। इन युवाओं का जोश देखकर तो यही लगता है बस मौका मिलने का इंतजार है, ये खुद को साबित करके दिखा देंगे। लेकिन पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा महाविद्यालय के कुछ छात्रों पर तो देशभक्ति का रंग कुछ इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि वतन पर मर मिटने का जज्बा अलग अंदाज में ही बयान कर रहे हैं।
कैप्टन विक्रम बत्रा से जुड़ी हुई तमाम यादें यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके जहन में रहती हैं और हर तरह से उनसे प्रेरणा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके गीतों को भी विक्रम बत्रा जो है वो प्रेरित करते हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम बत्रा जी शहीद हुए परमवीर चक्र मिला, आपके शहर के रहने वाले हैं, उनके नाम के कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कैसा फील होता है? शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी हमारे इलाके के थे, जिसमें हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं खुद इंडियन आर्मी में जाऊं और उनके जैसा बनूं, तो हमें गर्व होता है कि हम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज में पढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों को गर्व होता है और इसको छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, गिटार उनके हाथ में है, क्या उनके गीतों को भी विक्रम बत्रा प्रेरित करते हैं, बातचीत करते हैं? आपके गीतों को भी विक्रम बत्रा प्रेरित करते हैं और कोई अगर सॉन्ग डेडिकेट करना हो क्या आपने उनसे सीखा तो गीत के माध्यम से कैसे कहेंगे? जी हम ताते अभी ताते गा के हर कर्म अपना करेंगे, जय वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, जय वतन तेरे लिए दिल दिया है जान तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे जान देंगे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है शायद ये कैप्टन विक्रम बत्रा का ही असर है कि यहाँ के जो छात्र हैं तैयार हैं, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जिस तरह से परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने जान दी थी, कुर्बान हो गए थे अपने देश के लिए, वैसे ये तमाम जो छात्र बैठे हुए हैं इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम जो छात्र हैं उनके दिल में भी यही जज्बा है, चाहे जितने दुश्मन आ जाए, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए सैनिक हो, उनके मुकाबले को पूरी तरह से तैयार हैं और कैप्टन विक्रम बत्रा से प्रभावित होकर उन्होंने भी ये ठान लिया है कि इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे और कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों पर वैसे ही काल बनकर टूटेंगे जिस तरह से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा टूटे थे। जाहिर सी बात है जो लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं उनको यहाँ पर आकर देखना चाहिए क्या होती है देशभक्ति और क्या होता है एक शहीद का रुतबा। में एक आतंकवादी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि ये आतंकवादी कब्र के अंदर से भी आतंकवादियों को पैदा करने की क्षमता रखता है। तो साहब पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय में आकर देखिए कि जब कोई सपूत देश के लिए शहीद होता है तो उसकी कहानियां देश पर फना होने वाले कितने सरपरोशों को पैदा करती है। यहां पर आने के बाद हमको तो यही लगता है कि जिसे जिस जगह से जिस कब्र से आतंकवादी को पैदा करना है कर सकता है, इस विद्यालय में तो युवकों ने तैयारी कर रखी है वापस उन तमाम आतंकवादियों को देश के दुश्मनों को कब्र में भेजने की।